टॉपिक का नाम है जी ईथर चैनल। असल में एसटीपी अपना काम पूरा सही तरीके से कर रहा है लूप रोकने वाला। ईथर चैनल एक प्रोसेस है जिसको वैसे तो इसको पोर्ट चैनल बोलते हैं, सिस्को की टर्म में इसको ईथर चैनल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो आपने 2, 3, 4 जितने भी स्विच लगाए हैं या 2 स्विच ही लगाए हैं, 2 स्विच के बीच में लिंक आपने रिडंडेंट लगाए हैं लाइक 4, 5, 6, तो हमें पता है कि एक साइड जो रूट ब्रिज होगा उसके सारे लिंक तो ग्रीन रहेंगे और जो बाकी के स्विच के पोर्ट होंगे उनमें से 3 पोर्ट आपके ब्लॉक हो जाएंगे ड्यू टू एसटीपी, 1 पोर्ट रूट पोर्ट बन जाएगा। आज के टॉपिक के अंदर क्या है, आज के टॉपिक के अंदर प्रोसेस कुछ ऐसी है कि हम चाहते हैं 4 के 4 लिंक लगे भी रहें लेकिन लॉजिकली ये एक बंडल की तरह बन जाए। बंडल लाइक कि ये एक केबल शो हो स्विच को लगे दोनों को कि ये एक ही केबल है, 2 केबल नहीं है ये। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें टू क्रिएट ए लॉजिकल बंडल ऑफ फिजिकल रिडंडेंट लिंक, अगर आप रिडंडेंट लिंक्स जो स्विच के अंदर लगे हैं उनका एक लॉजिकल बंडल बना दें, दैट इज नोन एज ईथर चैनल, पोर्ट चैनल। सिस्को के अंदर तो हम इसको ईथर चैनल बोलते हैं। तो ईथर चैनल का टोटली प्रैक्टिकल बेस ही मिलेगा हमें क्योंकि इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल है। अब कहते हैं ईथर चैनल जो है वो 2 टाइप्स का है, जो हमारा ईथर चैनल है वो 2 टाइप का है, पोर्ट चैनल या ईथर चैनल। एक है हमारा PAGP और एक है हमारा LACP, ठीक है जी। पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, आपको फायदा हो जाएगा। पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, ये जो PAGP की फॉर्म है ये मेरा सिस्को प्रोप्रिएटरी है, ठीक है जी। और जो LACP है मेरा लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है जी। ये मेरा ओपन है IEEE की तरफ से, ठीक है। तो PAGP और LACP काम दोनों का सेम ही है, काम दोनों का सेम है ईथर चैनल का, टू क्रिएट ए लॉजिकल बंडल ऑफ फिजिकल रिडंडेंट लिंक बिटवीन स्विचेस, पोर्ट एग्रीगेशन एंड लिंक एग्रीगेशन। अब काम कैसे करते हैं, कहते हैं अगर मैं सिर्फ PAGP की बात करूं, PAGP के अंदर 2 तरह के मोड होते हैं, इसकी मैं बुक के अंदर थ्योरी भी भेज दूंगा आपको, ऑटो मोड डिजायरेबल मोड, ठीक है जी, ऑटो मोड एंड डिजायरेबल मोड। ऑटो मोड कैसे काम करता है, देखो ऑटो मोड तब काम करता है जब सामने से कोई मुझे रिक्वेस्ट आती है, व्हेन ए PAGP लिंक इज डिटेक्टेड, व्हेन ए PAGP, ठीक है, लिंक इज डिटेक्टेड, आप ऐसे बोल सकते हैं। मतलब ऑटो मोड तभी काम करेगा, कहने का मतलब अगर सामने से कोई PAGP लिंक उसे मैसेज बात करेगा। अनकंडीशनल, एक मोड मेरा ऑटो हो गया, एक मोड मेरा डिजायरेबल। डिजायरेबल मोड है कि अनकंडीशनली PAGP के अंदर वर्क करेगा, मतलब अगर एक साइड पे हम ऑटो लगा दें दूसरी साइड पे डिजायरेबल तो ये दोनों वर्क कर जाएंगे, अगर दोनों साइड पे डिजायरेबल लग जाए तो भी वर्क कर जाएंगे। लेकिन ऑटो मोड क्या करेगा, वो कहेगा कि मुझे तो जब सामने से अपडेट नहीं आई मैं काम नहीं करूंगा। तो अगर दोनों साइड आपने ऑटो लगा दिया तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए PAGP में एक साइड ऑटो एक साइड डिजायरेबल होता है। सिमिलरली इसमें भी LACP में भी 2 लिंक होते हैं, 2 मोड होते हैं, पैसिव मोड एक्टिव मोड। पैसिव मोड बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे ये करता है मेरा, ये क्या आ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं। When a LACP,
मैंने एलएसीपी लिंक इज डिटेक्टेड, और एक्टिव क्या कहता है कि अनकंडीशनल, अनकंडीशनल आपका ईथर चैनल वर्क करेगा, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया पीएजीपी और एलएसीपी। अब इसका प्रैक्टिकल वर्जन देखते हैं जी कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है, कैसे पीएजीपी का चैनल बनेगा, कैसे एलएसीपी का चैनल बनेगा, वो प्रोसेस देखते हैं हम। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरफ चलते हैं डायरेक्टली, वीडियो ज्यादा लेंथी भी ना हो जाए हमारी, इसलिए डायरेक्ट सिस्को पैकेट ट्रेसर पे प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं हम। लो जी, तो यहां पे मैं दोनों डिजाइन बना लेता हूं। पहले एक स्विच ले लेते हैं, दूसरा लगा देते हैं, नीचे वाले पे हम कुछ और कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसके साथ दो या तीन चार लिंक लगा देता हूं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये प्रैक्टिकल अलग करेंगे ऊपर वाला, ये प्रैक्टिकल अलग करेंगे। लो जी, अब मैंने आपको बताया था कि पीएजीपी और एलएसीपी है, तो ऊपर वाले को हम पीएजीपी से कन्फिगर करते हैं, नीचे वाले को हम एलएसीपी से कन्फिगर करते हैं। तो कैसे करना है, अब मान लो पहले देखते हैं शो स्पैनिंग ट्री का पार्ट देखते हैं जो कल किया था हमने, शो स्पैनिंग ट्री। ये देखो, दिस ब्रिज इज द रूट, इसके सारे पोर्ट डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग में है, और इधर जाके आप अगर चेक करोगे उसका मैक एड्रेस छोटा था ना, दिस ब्रिज इज नॉट रूट, तो इसका मैक एड्रेस 007 है, जबकि रूट ब्रिज का 002। तो इसके बाकी पोर्ट ब्लॉक हो गए, एक पोर्ट आपका रूट पोर्ट बन गया। अब हम चाहते हैं कि शो स्पैनिंग ट्री में ये चार के चार लिंक ना दिखें, कोई एक बंडल दिखे, तो क्या करना पड़ेगा, पहले पीएजीपी कॉन्फ़िगर करते हैं। आप इंटरफेस रेंज कितने पोर्ट है हमारे, एफ ए 0/1 से लेके 4 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, सॉरी स्विच टू स्विच जब लगता है हमारा तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लगता है जी, गलती से एक्सेस लग गया था। तो ये चार लिंक है, इनका एक चैनल ग्रुप बनाना है मुझे, चैनल ग्रुप, 6 चैनल ग्रुप बना सकते हो आप। मैंने लिया चैनल ग्रुप 1 मोड। अब मोड के अंदर आप देखोगे काफी लिखे होंगे यहाँ पे एक्टिव, ऑटो, डिजायरेबल, पैसिव, ऑन। तो एक्टिव और पैसिव एलएसीपी के लिए काम करते हैं, ऑटो डिजायरेबल पीएजीपी के लिए काम करते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव आपके एलएसीपी के लिए काम करते हैं और ऑटो डिजायरेबल पीएजीपी के लिए। तो मैं मोड को ऑटो कर देता हूं, चैनल ग्रुप 1 मोड ऑटो। देखो क्या आ गया, लाइन स्टेंज जो भी लाइन प्रोटोकॉल है डाउन अप हो गया। इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन 1, क्योंकि अभी मेरी वीलैन 1 ही लगी हुई है वहां पर। मैं इसकी एक बार नोट पैड पे कॉपी दिखा देता हूं पहले। एक्सेस वाली कमांड इजी लगेगी। हाँ जी, क्या किया मैंने, अपने चार लिंक लिए, उन चार लिंक को ट्रंक करके एक कमांड लगा दी चैनल ग्रुप 1, मतलब ये चारों लिंक एक ग्रुप बन जाए, मोड ऑटो है इसका। उसके बाद वही ग्रुप 1 का मैंने बना दिया पोर्ट चैनल 1 और वीलन 1 को अलाउ कर दिया, ये मैंने स्विच 1 के ऊपर किया। ये स्विच 2 के ऊपर क्या करेंगे अब हम, ये देखो बाकी सारी कमांड सेम रहेंगी, ध्यान देना, सिर्फ ऑटो की जगह मैं डिजायरेबल कर दूंगा। मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूं यहां पर, ऑटो की जगह डिजायरेबल। अगर मैं दोनों साइड ऑटो करूंगा तो काम नहीं चलेगा, दिक्कत आएगी आपको, क्यों, क्योंकि अगर दोनों साइड ऑटो हो गया, ये देखो पहले अभी एक साइड पे मैंने लगा दिया हुआ है ना, एक साइड पे मैंने लगा दिया है,
तो देखो ये क्या बोल रहा है, पोर्ट ब्लॉक पीवीआईडी शो स्पैनिंग ट्री। देखो अब ये पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में जाने वाले हैं, क्योंकि ये दूसरी साइड से इथर चैनल लग चुका है, इस साइड से नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, कमांड लगा दी डू शो हिस्ट्री, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया जी पूरा। जैसे ही कॉपी पेस्ट करूंगा देखो लिसनिंग 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 स्टेट में चला गया ये। थोड़ी देर के अंदर आप चेक करना, अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर दूंगा तो यहां पे चार लिंक की जगह आपको एक पोर्ट चैनल दिखाई देगा। ये देखो डेजिग्नेटेड है, दूसरी साइड पे चलते हैं। शो स्पैनिंग ट्री, यहां पे उसको लगेगा कि एक ही लिंक लगा हुआ है, रूट पोर्ट, मतलब चार लिंक का एक बन गया। समझाने के लिए इधर देख लो, दूसरी स्विच पे पोर्ट चैनल वन से काम हो रहा है, तो 1 2 3 4 ये तो है ही रूट ब्रिज है, तो इसके पोर्ट तो चाहे सारे डेजिग्नेटेड रहे। तो टू क्रिएट ए लॉजिकल बंडल ऑफ फिजिकल रिडंडेंट लिंक, इस साइड पे क्या शो हो रहा है कि मेरे पास चार लिंक नहीं आ रहे, मेरे पास एक ही लिंक आ रहा है। शो इथर चैनल, शो इथर चैनल में क्या बताएगा, चैनल ग्रुप वन लिया है, स्टेट आपकी L2 है, 8 पोर्ट आप लगा सकते हो लेकिन आपने 4 पोर्ट लिए हैं, और प्रोटोकॉल आपका PAGP चल रहा है। ठीक है जी। सिमिलरली ये तो हो गया ऊपर PAGP का प्रैक्टिकल, पोर्ट एग्रीगेशन कंट्रोल, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल का। नीचे वालों के ऊपर क्या करना है, देखो सारा काम बिल्कुल वही है जो काम मैंने PAGP के अंदर किया, FA 0/1 से 4 तक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, चैनल ग्रुप 1 मोड एक्टिव कर दो इधर, इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक, मैं सारी कमांड वही लगा दी मैंने। डू शो हिस्ट्री करके दिखा देता हूं, आप अगर ध्यान से चेक करोगे ना, मैं एक ही नोट पैड के ऊपर लिख देता हूं दोनों। LACP स्विच 1 के ऊपर क्या लगाया मैंने, एक्टिव, और स्विच 2 के ऊपर क्या लगाऊंगा मैं एक्टिव के बाद, पैसिव। दोनों साइड पे भी मैं एक्टिव लगा सकता हूं लेकिन दोनों साइड पे मैं पैसिव नहीं लगा सकता, ये रूल है। ये लो लगा दिया जी, जैसे ही दोनों साइड, एक साइड एक्टिव एक साइड पैसिव लगा दिया, जैसे पहले इसके क्या लिंक शो हो रहे थे, 4 लिंक शो हो रहे थे, आई थिंक हमने शो स्पैनिंग ट्री लगाया नहीं। अब लगाने के बाद शो स्पैनिंग ट्री, सेम वही इंफॉर्मेशन आ रही है जो ऊपर वाले स्विच में PAGP की आ रही थी, बस शो इथर चैनल में फर्क दिखेगा। एक्टिव पैसिव करने से वो ऑटोमेटिकली LACP बन जाएगा, जबकि पहले वो PAGP था। और इसके अंदर 4 पोर्ट लगाए हैं लेकिन मैक्सिमम पोर्ट और चैनल्स 16 बना सकते हैं हम यहाँ पे, मैक्सिमम पोर्ट आपके 16 हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इथर चैनल एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो ये 4 लिंक लगे हैं फिजिकल में, इनका लॉजिकल बंडल बना देते हैं। अब अगर 2 PC में एक इधर और एक इधर लगा दूं तो ये आराम से आपका पिंग करेगा। ठीक है जी। तो ये जो कोडिंग है ये मैं आपको ग्रुप के अंदर भेज देता हूँ, लिख के भेज देता हूँ जी। ये PAGP की कोडिंग है, ये LACP की कोडिंग है।